ठीक है, जंतर मंतर की खबर आपको बता देते हैं। प्रदर्शन उग्र हो गया है। जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है। भीड़ ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी है। पहलवानों के समर्थन में यह प्रदर्शन अब आक्रामक रूप लेता जा रहा है। देखिए, कल ही किसान नेताओं की एंट्री इस प्रदर्शन में हुई और उसके बाद देखिए ग्राउंड जीरो पर मेरे जो सहयोगी हैं आदित्य, वो इस वक्त मौजूद हैं। वो जंतर मंतर से हमें लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे, इस वक्त के क्या हालात हैं ये भी बताएंगे, साथ ही हमें वहां की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाएंगे जहां पर भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़ती हुई दिखाई दे रही है, ताकि आप इस प्रदर्शन के असली मायने समझ सकें, आप ये समझ सकें कि ये प्रदर्शन अब किस दिशा में जा रहा है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि इस प्रदर्शन को डिरेल करने की कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं। दोनों तरफ जंतर मंतर के था, वो सभी फोर्स जंतर मंतर के अंदर बुला लिया गया है। लगातार फोर्स यहां पर डिप्लॉयमेंट जो है वो सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है कि हम किसी तरीके के बल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन मुस्तैदी के लिए यहां पर जो सुरक्षा बल है वो बढ़ाया जाएगा और जो बैरिकेड्स है उनको अभी तक यहां पर जो व्यवस्थापक थे इस आंदोलन को जो देख रहे थे। तो देखिए, बैरिकेडिंग पर कई प्रदर्शनकारी चढ़ गए, उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लोगों ने यहां पर हंगामा किया है। पहले पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई थी और हमने देखा था कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों में भी कुछ लोग घायल हुए थे, दो लोग घायल हुए थे और पुलिस ने ये कहा था कि हमारे 5 जवान घायल हुए हैं और उसका कारण ये था कि बारिश के बाद गद्दे भीग गए थे तो फोल्डिंग बेड मंगवा लिए थे और गलतफहमी ये हुई थी कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक के फोल्डिंग बेड लेकर पहुंचे हैं और उन्हें रोकने की कोशिश की गई, उन्हें हिरासत में लिया गया। इस सब के बाद कल उस दिन जो हंगामा हुआ था, उस रात जो हंगामा हुआ था, तब से मामला शांत चल रहा था, लेकिन अब देखिए बैरिकेडिंग जो पुलिस ने लगा रखी थी, पुलिस के जवानों की जो सुरक्षा थी वो तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़े हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाकर प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे हैं और ये पहलवान नहीं है। खासतौर पर ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये पहलवान नहीं है, ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो इस प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए आए हैं। ये वो खाप से जुड़े और किसान संगठनों से जुड़े लोग हैं जो कि कल नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के कहने पर यहां पर पहुंचे थे। ये प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए यहां पर आए लोग हैं, ये प्रदर्शन के समर्थक हैं, ये प्रदर्शनकारी भी नहीं कहा जा सकता इन्हें, ये पहलवानों के समर्थन में आए हैं और अब प्रदर्शन उग्र रूप लेता जा रहा है। हालांकि यहां पर यह स्पष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, देखिए इन तस्वीरों में आप देखिए बैरिकेडिंग को पार करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस यहां पर खड़ी है लेकिन बैरिकेडिंग के ऊपर से चढ़ करके बैरिकेडिंग को गिरा करके बैरिकेड्स देखिए नीचे गिरे पड़े और जी मीडिया आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। जी दिल्ली NCR हरियाणा आपको दिल्ली की राजधानी दिल्ली के एक प्रमुख स्थल जंतर मंतर की ये तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर पुलिस की बैरिकेड्स को नीचे गिराकर प्रदर्शन को समर्थन करने पहुंचे कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर यह समझना स्पष्ट होगा और ये जानना आपके लिए जरूरी होगा कि ये पहलवान नहीं है, ये खुद प्रदर्शनकारी नहीं है, ये प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे किसान नेता हैं, ये प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे खापों से जुड़े लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि कल यहां पर पहुंचे थे पहलवानों के बुलावे पर, ये वो लोग हैं जिन्होंने कल राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के साथ बैठकर यहां पर प्रदर्शन किया था और कहा था कि जो हम अल्टीमेटम दे रहे हैं 21 मई तक, तब तक हर दिन 5,000 लोग यहां पर आएंगे, ये वही 5,000 लोग हैं। हालांकि संख्या इनकी 5,000 है या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, ये केवल दावा भर है। कल दावा किया था राकेश टिकैत ने कि हर दिन 5,000 लोग आएंगे, तो हो सकता है ये वही लोग हों। और देखिए बैरिकेडिंग को इन्होंने हटा दिया, जितने लोग खड़े थे वो सब आगे आते चले गए, पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर ये लोग आगे बढ़ गए। पुलिस कोशिश करती रही कि इन्हें रोका जाए, हालांकि पुलिस ने यहाँ पर आक्रामक रवैया नहीं दिखाया, पुलिस ने सामान्य तरीके से इन्हें आगे जाने दिया। जो लोग बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे उनके साथ पुलिस ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है, पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश जरूर की लेकिन मर्यादा में रहकर, पुलिस की ओर से अब तक इन्हें रोकने के लिए आक्रामक रवैया अख्तियार नहीं किया गया है। जंतर मंतर पर अब ये प्रदर्शन एक अलग दिशा में जा रहा है, एक अलग मोड़ ले रहा है। अब प्रदर्शन पहलवानों से हटकर किसान नेताओं पर शिफ्ट हो रहा है और देखिए इन तस्वीरों में आपको कोई पहलवान नजर नहीं आ रहा होगा, इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे वो किसान नेता जो कि अब इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और बार बार इसीलिए बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो ये सवाल उठाते हैं, या साफ तौर पर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठाती है
कि पहलवानों के धरने को हाईजैक कर लिया गया है। हालांकि कल विनेश फोगाट ने ये क्लियर कर दिया था कि इसे हाईजैक नहीं किया गया है। बावजूद इसके जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये सवाल खड़े करती हैं कि क्या पहलवानों का आंदोलन, क्या यौन शोषण के खिलाफ चल रहा आंदोलन, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर चल रहा आंदोलन डिरेल हो चुका है, क्या ये प्रदर्शन हाईजैक हो चुका है, और सवाल ये भी कि क्या पहलवानों के प्रदर्शन को हाईजैक करने वाले किसान नेता और खाप संगठनों से जुड़े लोग हैं। इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस तरह की तस्वीरें जंतर मंतर से सामने आ रही हैं। जंतर मंतर पर हो रहा प्रदर्शन अब आक्रामक होता जा रहा है, उग्र होता जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे जंतर मंतर से दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ जी दिल्ली NCR हरियाणा पर देख रहे हैं क्योंकि हमारा कैमरा वहाँ पर मौजूद है, हमारे कैमरा पर्सन ग्राउंड जीरो पर हैं, हमारे सहयोगी हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट रिपोर्ट करके हम तक पहुंचा रहे हैं और हम सीधे आपको लाइव तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं जी दिल्ली NCR हरियाणा पर। आप देखिए कैसे बैरिकेड्स को हटाया जाता है, कैसे बैरिकेड्स पर चढ़ करके ये प्रदर्शनकारी कूद कर आगे निकल जाते हैं। भीड़ ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी है और भीड़ आगे बढ़ गई है। हालांकि पुलिस को आप बहुत ही मर्यादित व्यवहार करते हुए देख पा रहे होंगे, पुलिस ने केवल हाथ से इन्हें रोकने की कोशिश की और खासतौर पर महिला पुलिसकर्मियों ने तो किसी के साथ कोई व्यवहार किया ही नहीं है। वो खड़ी हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि इन्हें रोका जा सके, हालांकि प्रदर्शनकारी रुकते नहीं हैं या आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको बैग लेकर के नज़र आ रहे होंगे, ये लोग सब बैग लेकर के आए हैं। हालांकि ये बात कही गई थी कि इस आंदोलन को किसान आंदोलन का रूप नहीं लेने दिया जाएगा, यहाँ पर टेंट नहीं लगेंगे, यहाँ पर राशन नहीं आएगा, यहाँ पर लोग डटेंगे नहीं। हालांकि ये ज़रूर कहा गया था कि लड़ाई लंबी चलेगी। बावजूद इसके बैग लेकर लोग पहुँचे और इसमें एक जो बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली तस्वीर है वो ये कि आप इन तस्वीरों में कुछ छोटे बच्चों को भी देखेंगे। छोटे बच्चों का यहाँ पर क्या काम है ये मेरी समझ से परे है। आप देखिए तस्वीरों में आपको छोटे बच्चे यहाँ पर नजर आएंगे और इन छोटे बच्चों का इस आंदोलन में क्या काम है ये समझना बहुत मुश्किल है।